Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about one more simple tense, that is future indefinite tense, or simply we call it again also simple future tense. In this video we shall discuss about its forms and its uses. In previous videos we have discussed simple present tense and simple past tense. So let's start. Simple future tense, as I told you earlier, ki this tense, not only this but also all the tenses are very important for translation point of view. If we know how to change one kind of sentences of a tense into another, then we can easily learn how to use this. हम ये जान सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. तो हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई हम कैसे करें? तो सिंपली गा गी गे मीन्स द एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, इट इज कम एट द एंड इन हिंदी सेंटेंसेस. हिंदी सेंटेंसेस में ये गा गी गे एक्सेट्रा आते हैं, इसका सेंस होता है एक्शन दैट विल फिनिश इन फ्यूचर टाइम. एंड लाइक एग्जाम्पल, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट. एंड शिव अपने मित्र की सहायता करेगा, शिव विल हेल्प हिज फ्रेंड. रोहित आज स्कूल नहीं जाएगा, रोहित विल नॉट गो टू स्कूल टूडे. एंड वह खाना नहीं बनाएगी, शिव विल नॉट कुक फूड. तो हम देखें कि जो सेंटेंसेस इसमें गे गा गा या गी एट्सेट्रा जो आ रहे हैं, तो ये हमारे जो है कि हमने जो एग्जाम्पल बताया वहाँ पर गा गी गे एट्सेट्रा आएंगे, तो ये हमारे जो हैं कि सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेट करते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट इट्स फॉर्म्स एंड इट्स यूजेस. तो फर्स्ट रूल इज शैल विथ आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. मीन्स शैल हम यूज करते हैं जो हमारा आई एंड वी है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसके साथ, एंड वी यूज विल विथ ऑल अदर सब्जेक्ट्स. और विल जो होता है हमारा दूसरे अदर सब्जेक्ट्स के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है. एंड व्हेन वी यूज शैल एंड विल, वी यूज वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई थिंक बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज आल्सो नोन. हमने आपको जब इंट्रोडक्टरी वीडियो जब इसमें बताया था, इंट्रोडक्टरी टेंसेस के बारे में जब हमने आपको बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंट टेंसेस में मेन वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं. वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि जितने भी हमारे सिंपल टेंसेस हैं उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म या बेस्ट फॉर्म आइए मेन वर्ब यूज होता है. तो ये शैल विल के साथ यहाँ पे हमारा बेस्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स. मीन्स इसमें जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वह सब्जेक्ट होता है, फिर शैल विल होता है, देन जो है कि ये आपका वर्ब फर्स्ट होता है और अदर वर्ड्स होते हैं. एग्जाम्पल लाइक अर्नव विल अराइव होम टूडे. अब अर्नव विल, शैल विल, हमने आपको बताया विल कब यूज करेंगे, जब हमारा आई एन वी के आइदर कोई सब्जेक्ट होगा, और शैल हमारा आई एन वी के साथ यूज करते हैं. देखिए प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश में हम हर जगह जो है कि विल का यूज नाउ अडेज चल रहा है, लेकिन इन ब्रिटिश इंग्लिश ओनली with I and V, in question and negative we use shall. Otherwise, generally will is used with all kind of subjects. So he will now go to school daily. अब वह रोज स्कूल जाएगा. I shall be 20 tomorrow. Here shall, I के साथ यूज किया है. We shall complete our task on time. हम अपना कार्य समय पर पूरा कर लेंगे. तो ये affirmative sentence का हमारा जो है ये स्ट्रक्चर है, और ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, और देखेंगे विल और शैल का ही यूज इसमें हो रहा है. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? जो नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे होते हैं तो बस अफर्मेटिव सेंटेंस में शैल विल और वर्ब फर्स्ट के बीच में नॉट वर्ड प्लेस कर देते हैं. लाइक इसका जो स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. एंड द एग्जाम्पल इज अर्नव विल नॉट अराइव होम टूडे. एंड लुक हियर, विल एंड अराइव मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस कर दिया गया है. अर्नव आज घर नहीं पहुंचेगा. ही विल नॉट गो टू स्कूल नाउ. अब वो स्कूल नहीं जाएगा. एंड
विल एंड गो के बीच में नॉट प्लेस कर दिया. आई शैल नॉट कम हियर टुमारो, मैं कल यहाँ नहीं आऊँगा. शैल एंड कम के बीच में नॉट प्लेस कर दिया. एंड वी शैल नॉट कम्प्लीट आवर टास्क ऑन टाइम, हम अपना कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे. शैल एंड कम्प्लीट के बीच में नॉट यूज हुआ. तो नेगेटिव सेंटेंस जब हमें बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस कर देते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, एस नो टाइप क्वेश्चन एंड डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन. एस नो टाइप क्वेश्चन आर दोज विच बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस. एंड डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन बिगिंस विथ क्वेश्चन वर्ड एंड एंड्स इन क्वेश्चन मार्क एंड ऑल अदर पार्ट्स आर सेम एज इन एस नो टाइप क्वेश्चन. मीन्स यहाँ पे जो शैल विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट अदर वर्ड्स हैं ये हमारे जो है कि नॉन रीजनेबल या एस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है. और यह क्वेश्चन वर्ड शैल विल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स ये हमारा, बाकी सारे पार्ट्स उतने ही हैं, बस हमने इसमें क्वेश्चन वर्ड्स ऐड कर दिया है. तो ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है. और इस स्ट्रक्चर को देखिए तो हमारे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से हम बस क्या किए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस जो है कि इंटरचेंज कर दिया. तो यह जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया और फुल स्टॉप की जगह वहाँ हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया. एग्जाम्पल है विल अर्नो अराइव होम टूडे, क्या अर्नो जो है आज घर पहुँचेगा. विल ही नाउ गो टू स्कूल डेली, क्या वो अब रोज स्कूल जाएगा. शैल सी बी 20 टुमारो, क्या वह कल 20 की हो जाएगी. इन सेंटेंसेस में मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए हर जगह जो है कि क्वेश्चन मार्क्स, देयर शुड बी क्वेश्चन मार्क्स, बट बाय मिस्टेक इट इज अ फुल स्टॉप, देयर शुड बी क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे क्या अर्नव आज घर पहुँचेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क प्लेस करेंगे. क्या वह रोज स्कूल जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा. क्या कल वह 20 की हो जाएगी, हियर इट विल बी क्वेश्चन मार्क. एंड शैल वी कम्प्लीट आवर टास्क ऑन टाइम, क्या हम अपना कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे. शैल से बिगिन किया एंड कंप्लीट वर्ब यूज कर रहे हैं. व्हाई विल दे कम लेट, वे लेट क्यों आएंगे. अगेन हियर वे देर से क्यों आएंगे. एंड हाउ शैल सी फिनिश हर टास्क बिफोर, वह अपना कार्य पहले कैसे पूरा कर लेगी. तो ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रीजनेबल और नॉन रीजनेबल के एग्जाम्पल हैं जो कि हम इसको जो है कि बताएं आपको. तो ये इसके इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको जो है कि ग्रुप के माध्यम व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके जो है कि जब एक्सरसाइज कंप्लीट करवाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा. तो ये हम जो है कि आपको पहले भी इसमें बता चुके कैसे इसको लर्न करना है, कैसे इसको जो है कि कंप्लीट करना है, ट्रांसलेट कैसे करना है. नाउ वी शैल डिस्कस द यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस हम कब यूज करते हैं. वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस एज ए स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर फैक्ट. फ्यूचर फैक्ट के स्टेटमेंट के रूप में यूज करते हैं. और ये हमारा एक सर्टेन हो सकता है, मीन्स दे विल बी हियर ऑन सैटरडे आफ्टरनून. ये सर्टेन है कि वे सैटरडे आफ्टरनून को यहाँ पर होंगे. या द जर्नी विल टेक 6 आवर्स, ये सर्टेन है कि जर्नी जो है 6 आवर का टाइम लेगी. ये सर्टेन फैक्ट के लिए. या अनसर्टेन आर टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शन, हम इसका यूजेस अनसर्टेन या प्रेडिक्शंस के लिए भी करते हैं. या जो कि हम सोचते हैं कि हैपन होगा. और थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, या कि ऐसे थिंग्स जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए भी यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. लाइक आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, परहैप्स, इट विल बी क्रिसमस एंड माई फादर. तो हम अगर इसको ध्यान दें तो इस तरह के जहाँ प्रेडिक्शंस होते हैं तो ऐसे सेंटेंस जो बिगिन होते हैं आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर, परहैप्स, प्रोबेबली, ऐसे जो फ्रेज या वर्ड्स होते हैं उसके साथ ये बिगिन होते हैं. तो यहाँ पे आई थिंक इट विल रेन टुमारो, मैं सोचता हूँ कि कल जो है कि बरसात होगी. आई एम नॉट श्योर ही विल बी देयर, मुझे नहीं लगता कि वह वहाँ पर होगा. परहैप्स ही विल अराइव टूडे, शायद वह आ जाएगा. इट विल बी क्रिसमस इन ए वीक, एक सप्ताह में क्रिसमस होगी. एंड माई फादर विल बी 55 टुमारो, कल मेरे पिताजी 55 ईयर्स के हो जाएंगे. तो ये जो है कि ऐसे एक्शन है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो दीज आर द फर्स्ट काइंड ऑफ यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट, फॉर अ सडन डिसीजन और वेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स एक सडन डिसीजन या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. लाइक नो वन
हैज ऑफर टू हेल्प, आई शैल डू इट फॉर यू, किसी ने तुम्हें हेल्प ऑफर नहीं किया, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। यहाँ पे सडन डिसीजन मेड किया गया कि आई शैल डू इट फॉर यू, मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। वेट अ मिनट, आई विल ओपन द डोर फॉर यू, एक मिनट वेट करें, आई विल ओपन द डोर फॉर यू। दिस हैज बिन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आई थिंक आई शैल हैव एग्स एंड चिप्स प्लीज, मुझे लगता है कि मुझे जो है कि एग्स एंड चिप्स मिले। तो ये हमारा जब हम बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पर या किसी रेस्टोरेंट में, उस टाइम का हमारा डिसीजन है, तो शैल यूज कर रहे हैं। इट इज कोल्ड, आई विल शट द विंडो, और क्या है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, इट इज कोल्ड, ठंडक अधिक है, आई विल शट द विंडो, मैं विंडो शट कर दूँ। टू शो विलिंगनेस टू डू आर नॉट टू डू समथिंग इन द फ्यूचर ऑफन एज ए प्रोमिस आर ए थ्रेट, मीन्स शैल और विल का यूजेस जो है कि प्रोमिस या थ्रेट देने के लिए भी या विलिंगनेस को बताने के लिए किया जाता है। लाइक आई प्रोमिस आई विल बी देयर, मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं वहाँ पर होऊंगा। आई विल नेवर स्पीक टू हिम अगेन, मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंसेस। इन आफ्टर दिस इन WhatsApp group you will be provided exercise, you will be provided with notes, and these are all about future simple tenses. That's all. Thank you for watching.